खंडवा का स्ट्रीट फूड विभिन्न प्रकार के किफ़ायती और स्वादिष्ट स्नैक्स पेश करता है। शहर के हलचल भरे बाजारों और सकरी गलियों में खाने पीने की दुकानें और विक्रेता मौजूद हैं, जो स्थानीय पसंदीदा व्यंजन जैसे समोसा चाट, पानी पूरी और बहुत कुछ पेश करते हैं। एक तरफ इस शहर में बड़े बड़े दुकान और रेस्टोरेंट है, तो वहीं जगह जगह रोड किनारे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां जायके का कोई जवाब ही नहीं होता है। आज हम ऐसे ही फूड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है खोपरा खस्ता, जो स्वाद में चटपटा तथा खाने में कुरकुरा है। खोपरा खस्ता आप क्या बनता है, किसे क्या बनाते हैं आप इसे? सर, ये मैदे की रोटी रहती है। इसको पहले रोटी के गोल शेप में बेलना पड़ता है, थोड़ा लंबा शेप में। उसके बाद ये फोल्ड होके एक बार और बिलाता है। उसके बाद तेल में तलते हैं, ये फिर खस्ता हो जाता है। और कौन कौन सी चटनियाँ वगैरह कैसे क्या बनता है? इसमें अपने अमचूर की चटनी डालते हैं हम लोगों, इमली की चटनी यूज़ करते हैं, अमचूर की चटनी डालते हैं, दही, उसके बाद अपनी लहसुन और मिर्ची की चटनी डलती है और चार पाँच तरह के करीबन मसाले डलते हैं इसमें। इसका स्वाद कैसा, क्या रहता है? इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये निमाड़ में अपने ही अधिकतर अपने ही सेल ज़्यादा है इसकी, और ये अपने को मालवा साइड बिल्कुल नहीं मिलेगा। निमाड़ की फेमस आइटम है खोपरा खस्ता। और इसको खोपरा खस्ता क्यों बोलते हैं? मतलब खोपरा खस्ता ये बहुत क्रंची आता है और ये इसे तो यानी फीका आता है, बच्चों की पहली पसंद रहती है और ऐसे मसालों में बन जाता है।